हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको सब्यसाची ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताई थी। आज मैं उसी ब्लाउज़ के लहंगे के लिए बेल्ट बनाना बताऊंगी। बचे हुए कपड़े से मैचिंग का हम लोग आज बेल्ट बनाएंगे। आजकल बेल्ट बहुत ही ट्रेंड में है। अपनी कमर के नाप के अनुसार हमें इसकी लंबाई रखनी है और इसकी चौड़ाई 3 इंच है। ये मैंने 1.25 इंच का बकरम का पट्टी लिया हुआ है। इसकी चौड़ाई आप अपने इच्छा अनुसार कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब हमें इसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए और ऐसे 4 फोल्ड करते हुए कट कर लेना है ट्रायंगल शेप में। आप चाहें तो राउंड शेप में भी कट कर सकते हैं। अब इस पीस को हम उल्टे साइड में वेलवेट के पीस पे पेस्ट कर देंगे, बिल्कुल से सेंटर में। इस तरह से हमें यहाँ पे चिपका लेना है इसको। तो ये देखिए, मैंने इसको पेस्ट कर लिया है प्रेस की हेल्प से। अब हमें क्या करना है, इस तरह की डोरी लेनी है और इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे अंदर डोरी इंसर्ट करते हुए यहाँ पे हमें इसे सिल लेना है। इस तरह से हमारी डोरी बाहर की ओर दिखेगी नहीं और बहुत ही फिनिशिंग के साथ डोरी अटैच हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से हमें डोरी को फिक्स कर लेना है। फिर दूसरी साइड भी हमें वही प्रोसेस से डोरी को अटैच कर लेना है। इससे हमारा कॉर्नर भी फोल्ड हो जाएगा अच्छे तरीके से और डोरी भी अटैच हो जाएगी। यहाँ पे हमें लॉक कर लेना है ताकि हमारा बांधते समय डोरी निकल न जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये अटैच हो चुका है। अब हमें इस किनारे को इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। लॉक करते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। किनारे किनारे हमें वेलवेट को फोल्ड करते हुए स्टिच करते जाना है। आप चाहें तो यहाँ पे इसे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से पेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि बाद में हम जब लेस लगाएंगे तो वो अच्छी तरीके से सिलाई हो जाएगी उस पर। ये देखिए, फिर पलट करके हमें इस तरह से दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से हमें चारों ओर से इसे स्टिच कर लेना है। अब देखिए, यहाँ सेंटर में हमें क्या करना है, ये सेंटर में इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पे लॉक करना है और फिर एक सेंटर की सिलाई हमें देनी होगी ताकि हमारा ये जो किनारा है वो फिनिश हो जाए। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें इसे सिल लेना है ताकि पीछे से भी हमारे बेल्ट की फिनिशिंग बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। इसे फोल्ड करते समय हमें इससे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वेलवेट का कपड़ा बहुत तेज खींचता है, तो बहुत ही आराम आराम से हमें इसे फोल्ड करते जाना है और स्टिच करते जाना है। अगर वेलवेट खींचेगा तो पीछे से फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। ये देखिए, ये मैंने स्टिच कर लिया है। अब इस तरह से ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बेल्ट रेडी हो चुका है। अभी हम इसको डेकोरेट करेंगे इस लेस की हेल्प से। ये लेस हमारे ब्लाउज़ की मैचिंग का है। इस तरह के जो मल्टी कलर के थ्रेड हैं उस पर उसी का कढ़ाई हो रखा था, इसलिए मैंने इस लेस को चूज़ किया है। अब इस तरह से हमें इसे सेंटर में रखते हुए स्टिच कर लेना है। लेस स्लिप ना करे इसके लिए आपको ध्यान रखना है। चाहें आप तो आप इसे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से पहले पेस्ट करके भी स्टिच कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये मैंने इसको स्टिच कर लिया है दोनों साइड से। अब एक लेस और हम इस पर अटैच करने वाले हैं जो हमारे लहंगे की कढ़ाई से मैचिंग का है। इस तरह से पतली सी लेस हमें यहाँ पर अटैच करनी है। तो पहले किनारे को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। ये लेस बिल्कुल ही मैचिंग का है, मेरे लहंगे की मैचिंग का है, इस वजह से मैं इसको यहाँ पे अटैच कर रही हूँ ताकि हमारा बेल्ट बिल्कुल मैचिंग का बने और देखने में खूबसूरत लगे। वेलवेट पे जब हम लेस अटैच करते हैं तो बहुत ही स्लिप करता है, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। चाहें तो आप पेस्ट कर लीजिए पहले फैब्रिक ग्लू की हेल्प से, उसके बाद इस पर स्टिच लगा लीजिए।
ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये बेल्ट का डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें इसके किनारे डोरी पे लटकन लगाएंगे। तो सबसे पहले सेंटर लेकर के हम इसे कट कर लेंगे। और एक मैंने ये लिया है सर्कल, ये इसका विड्थ 4 इंच है, इसका रेडियस आप चाहें छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब इस तरह से सुई में धागा डाल के हमें इसे साइड से गुलते जाना है, बिल्कुल किनारे से हमें इसे गुलना है, हैंड स्टिच चलानी है। ये देखिए, इस तरह से हमें स्टिच करके इसको हल्का सा खींच लेना है। और इस तरह से हमारा एक ये पोटली बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें हम बची हुई फैब्रिक को ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो फोम शीट या कॉटन रुई भी भर सकते हैं। इस तरह से भरने के बाद हम जो है ये डोरी को इंसर्ट करेंगे। तो इसमें डोरी को पहले गांठ लगाएंगे ताकि हमारा निकल न जाए। इस तरह से खींचते हुए हमें यहाँ पे इसको टक कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर लटकन वगैरह, जो रेडीमेड लटकन मिलती है, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा एक ये बनके तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी लटकन बना लेंगे। ये देखिए, दोनों ही लटकन हमारी तैयार हो चुकी है और हमारे बेल्ट का लुक कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से हम अपने लहंगे या साड़ी का मैचिंग बेल्ट रेडी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू।